अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाज़िर एक और नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और इतनी अचानक ईद हो गई कि लास्ट डे हम आप लोगों को ईद मुबारक भी कहना रह गया था, लेकिन आई होप आपने हमारी ईद की ट्रांसमिशन देखी होगी जिसमें दोनों दिन हम आपके साथ थे। सो सबको एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। आई होप यू हैड अ नाइस टाइम और यू स्टेड एट होम। जैसे मैंने पहले कहा था, बैक टू आर स्टूडियो, हमारा अपना सेट आ गया वापस यहाँ। और अब हम क्या क्या आज बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हम आज लक्सा पुलाव बनाएंगे, ठीक है, वेरी नाइस एंड फ्रेग्रेंट सब्जियों के साथ, समथिंग डिफरेंट ट्राई ज़रूर करिएगा। चॉकलेट टार्ट बनाएंगे हम, इसकी पेस्ट्री कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी, और इसका एक सॉस होगा अंदर, फिलिंग गनैश होगी। फिर उसके बाद हम समर रस से एक आपको बनाना एंड योगर्ट के साथ स्मूदी बनाना सिखाएंगे। सो ये सारी चीज़ें देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे आपके साथ 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ, रात में 12 बजे, दूसरे दिन 9:30 बजे, सुबह में शो रिपीट होता है। अ बिग थैंक यू टू फोटाइल फॉर दिस न्यू हॉब एंड माइक्रोवेव एंड द अवन, तो हम यूज़ करेंगे अपने शो पे और बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इनके, थैंक यू सो मच। अ बिग थैंक यू टू ऑल आर स्पॉन्सर्स इन फैक्ट जो हमारे शोज़ पे रहे इन रमज़ान एंड अभी भी हमारे शोज़ पे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब टार्ट का जो डो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मैंने बहुत जगहों पे टार्ट्स, पाइज, पिज्ज़ाज खाए हैं जिनके बेसिस कच्चे रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, यहाँ कुछ बेकरीज बहुत अच्छी फिलिंग वाले टार्ट्स, पाइज, कीशेज बनाते हैं, लेकिन उसका बेस बनाना नहीं आता है या बेस कच्चा रह जाता है, इसलिए कि उनको बहुत जल्दी होती है और मेरी तरह वो स्टेप्स में नहीं करते हैं। तो आप सीख लीजिए मुझसे स्टेप्स में कैसे बनाते हैं और फिर आप भी इस तरह बना सकेंगे। लेकिन पाई का जो असल जो कहते हैं ना कि टेस्ट है, वो उसका बेस है, उसका फिलिंग तो आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, टॉपिंग, डेकोरेशन, बहुत अच्छे अच्छे स्वर्ल्स, चॉकलेट के डेकोरेशंस, लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा और आप उसको काट के खाएंगे तो वो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। कच्चा बेस इज़ नॉट ऑन। कीश भी मैंने खाए हैं बहुत जगहों के जो उनके बेसिस ही नहीं पके हुए होते हैं, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। नाउ यहाँ मेरे पास है 150 ग्राम मक्खन, उसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक, उसमें हम डालेंगे 120 ग्राम आइसिंग शुगर, कैस्टर नहीं, आइसिंग, इसलिए कि उसमें कुछ मकदार कॉर्नफ्लावर की होती है, वो आपके बेस को होल्ड करेगा। 4 से 5 मैंने अंडे की जर्दियाँ यहाँ तोड़ी हुई हैं, सफ़ेदियों को अलग रखिएगा। वेनिला एसेंस, कॉफ़ी एसेंस दोनों हम डालेंगे, ये है यहाँ कॉफ़ी एसेंस, यहाँ से ही लिया है मैंने। मैदा जाएगा इसमें 260 ग्राम, आधा कप कोको पाउडर है, और फिर मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिखा है, वो हम बेस बना के ठंडा करेंगे, फिर उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट लगाएंगे, जो फिलिंग और बेस के बीच में उसको एक बैरियर सा देगा, ताकि आपका जो बेस है वो क्रंची रहे, क्रिस्पी रहे, सॉगी ना हो। बेस बनाना सीख लीजिए आज मुझसे। अगर बेस आपको प्लेन बनाना है तो कोको पाउडर ओमिट कर दीजिएगा, मैं बना जिस तरह रही हूँ उसी तरह आप ट्राई करिए, बनाइए, सीखिए और मज़े की ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। सो 150 ग्राम, ये 200 ग्राम है तो हमने इसमें से ऐसे लिया, और इसमें आप ये डाल दीजिए मक्खन, फिर आइसिंग शुगर, बीट भी कर सकते हैं, मैं फूड प्रोसेसर वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ जिसमें सब कुछ एक दफ़ा डाल के आपने विज अप कर दिया, ठीक है। कोको पाउडर, मैदा, सब कुछ छान के रेडी करके मैंने रखा है, आप लोग सब कुछ छानिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं। और एसेंसेस एंड द एक अदद मैं जर्दी बचा दूंगी टू ब्रश ऑन टॉप, दूसरी हम डालेंगे, फिर एसेंस वेनिला और कॉफ़ी का, कॉफ़ी का नहीं डालना है, नहीं डालिए, है मेरे पास और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का फ्लेवर उसमें आता है तो मैंने इसलिए डाल दिया। चलिए डन, सब कुछ मिक्स। आपको इसको मिक्स करके देखना है, डो शुड बी स्टिकी, तो मैं ये अंडा डाल देती हूँ, दूसरा अंडा है मेरे पास, उसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, बिकॉज ये क्रम्बल लग रहा है अभी, डो स्टिकी नहीं है।
थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं और मक्खन डाल सकते हैं। अच्छा जी, आज हमारे शो पे है हैंडी मीट मिंसर एनिक्स की तरफ से गिफ्ट। तो अगर आपको जीतना है मेरे शो के थ्रू तो आपने मुझे बताना है ईद के हवाले से कोई रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, पता चले आप लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया ओवर द ईद पीरियड। तो कोई भी दो तीन ईद के हवाले से रेसिपीज़ के नाम लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी अपना ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इस डो को हमें बनाना है, आप चाहें थोड़ा सा पानी डालें, दूध डालें, व्हाटएवर टू मेक इट नाइस एंड स्टिकी। फिर इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं होगा, सो मैं इसको फौरन हाथ से या बेलन से या पेपर के बीच में बेल के पाई प्लेट में रख दूंगी। पाई प्लेट में रखने के बाद उसके ऊपर हम पेपर रखेंगे, उसके ऊपर ये बीन्स रखेंगे जो मैं हमेशा लेके आती हूँ, ये मेरे 100 साल पुराने बीन्स जो चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास लोबिया है, दाल है, चावल है, कोई सेरेमिक बीन्स है, यू हैव टू वे द पेस्ट्री डाउन, यानी कि पेस्ट्री फूले ना, ठीक है। कुछ ऐसी भारी चीज़ रखनी होती है खाने की ही ऑब्वियसली, जो इसको नीचे रखे पेस्ट्री को, पेस्ट्री पक जाए। बेक ब्लाइंड कहते हैं इसको टर्मिनोलॉजी हमारी, शेफ्स की, बेकर्स की टर्मिनोलॉजी में, बेकिंग ब्लाइंड, इस तरह मतलब फिलिंग के बगैर बेक करना। अब ये जो मिस्टेक कर रहे हैं कुछ बेकर्स और कुछ लोग जो बेच रहे हैं ये सारी चीज़ें, वो कच्चा रखते हैं डो, बिकॉज वो उसी के ऊपर फौरन डाल देते हैं फिलिंग और बेक करने रख देते हैं, उससे नीचे से डो कच्चा रह जाता है। इस तरह बेक ब्लाइंड करेंगे, 2 स्टेप्स में करेंगे, थोड़ी सी तसल्ली के साथ, तहमुल के साथ, तो फिर ये अच्छा बनेगा। ऑब्वियसली उनको कमर्शियल करना होता है तो उनको तो जल्दी होती है कि बस छापो, छापना नहीं चाहिए ना। चलो जी, ये हो गया, इसको निकालते हैं, पाई प्लेट में रखते हैं और अवन में रख देंगे बेक होने के लिए, उसके ऊपर एक वेट रख के, दैट्स इट। मैं आप लोग प्लीज इसको फ्रिज में रखिएगा ठंडा करने के लिए, वी हैव नो टाइम, सो वील डू इट लाइक दिस कि हम इसको फौरन अवन में रख देते हैं बेक होने के लिए, ठीक है। एक बोल में निकाल के मैं ज़रा मिक्स करती हूँ, बिकॉज इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। हर्बियन का समर रस का हैम्पर भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और मीट मिंसर है एनिक्स की तरफ से, अगर जीतना है तो मुझे बताइए ईद से के हवाले से रेसिपीज़ के नाम। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और पाई प्लेट में रख देती हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इसको बेक करने भी रख देंगे, ठीक है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक, देखे मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, इसको आपने 1 घंटा फ्रिज में रखना है, फिर बेल के लगाइएगा, इस तरह पोक कर दिया है, इसको कहते हैं डॉकिंग, होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये फॉक्स है, कांटे से मैंने कर दिया है। अब आप क्या करोगे, पेपर लोगे, और ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर इसको खोल देंगे और फिर इसके अंदर हम रखेंगे ये बीन्स, 100 साल पुराने वाले, ठीक है। और इसको ऐसे 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 करके फ्लैट कर देंगे, फिर इसको हम बेक करने रख देंगे, सही है। चलिए हमारे नए फोटाइल के अवन में, ओ वाओ, लुक एट दिस, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम इसका फिलिंग बनाएंगे, चॉकलेट हमने पिघलानी है, थोड़ी सी अलग रख देते हैं फॉर ब्रशिंग, ठीक है।
अच्छा, डो जब भी बच जाए, डो बच गया है, फेंकिएगा नहीं। छोटा टार्ट बन सकता है, बेक होने के बाद बाज़ वक्त नीचे होल्स रह जाते हैं और बाज़ वक्त जो टार्ट होता है वो कहीं से फट जाता है, तो उसको चेपी सी लगा देते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, पंक्चर लगा देते हैं ये पेवंद पता नहीं, रफू, एनीथिंग, आपको समझ आ गई ना बात। बस जब भी कहीं होल हो जाता है टार्ट के बेस में, तो उसका ये बेस का ये जो है ये फेंकिएगा नहीं डो, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। अच्छा, चॉकलेट मैं थोड़ी सी निकाल दूंगी, उसको हम करेंगे वो क्या करेंगे मेल्ट, वो हम करेंगे बाद में जब ये टार्ट का बेस हो जाएगा, माइक्रो में हम इसको मेल्ट कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ इसको हटा देते हैं, फिलहाल हम चॉकलेट और क्रीम लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा दानेदार नमक डालेंगे। देखें, दानेदार नमक है, दानेदार नमक गया और क्रीम डाल के हम इसको गनाश बना के रख देंगे। गनाश को थोड़ी देर के लिए ठंडा भी करना होगा ना। और फिर इसमें हम थोड़ा सा मक्खन भी डालेंगे। बाज़ वक्त गनाश में मैं मक्खन डालती हूँ, बाज़ वक्त नहीं डालती हूँ, सो कीप चेंजिंग। इसमें आप ऑरेंज एसेंस डालिए, कॉफ़ी एसेंस डालिए, मिंट एसेंस डालिए, इस तरह फिर बनाते रहिए। चलिए अब हम इसको हमारे फोटाइल के नए चूल्हे के ऊपर बना लेते हैं, इसका गनाश बना लेते हैं। अनसॉल्टेड मक्खन है, थोड़ा सा सी सॉल्ट हमने डाला था, दानेदार नमक, क्रीम है, चॉकलेट है और फिर ये जो दूसरी चीज़ें हैं गार्निश वगैरह के लिए हैं। अच्छा जी, हम नेटवर्क लिमिटेड और टेलीनॉर पाकिस्तान जॉइन हैंड्स फॉर अ स्पेशल कैंपेन टू जनरेट डोनेशंस फॉर SIUT, ठीक है, टू हेल्प द लेस प्रिविलेज पीपल। और आपको हमने ये पहले भी बताया है, सो इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इफ़ यू वांट टू गिव समथिंग टू SIUT, तो हमारे थ्रू ज़रूर करिएगा। टेलीनॉर ने इसको एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया है बाय कलेक्टिंग इक्वल अमाउंट, वो ऐड करेगा, जितना अमाउंट कलेक्ट होगा टेलीनॉर भी वो अमाउंट ऐड करेगा, सो प्लीज़ बी जेनरस एंड डोनेट। चलिए, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, नमक, आइसिंग शुगर, अंडे की जर्दियाँ, वेनिला एसेंस, मैदा, कॉफ़ी एसेंस, कोको पाउडर, सब कुछ बेल के डो बना के अवन में जा चुका है, ठीक है। इसको फिर हम बेक करेंगे, ठंडा करेंगे, चॉकलेट मेल्ट करके उसके ऊपर ब्रश करेंगे। ये जो हम गनाश बना रहे हैं, चॉकलेट और क्रीम और थोड़ा सा मक्खन और सी सॉल्ट, उसके साथ फिर हम उसको करेंगे फिल। फिर हम क्या करेंगे, आँच में कम कर दूँ बिकॉज ये कहीं क्रीम बॉयल ना हो। फिर आप इसके ऊपर ड्रिजल करिए सॉल्टेड कैरमल, जो सॉल्टेड कैरमल कितनी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, बेस्ट तरीका कैरमल का बनाने का, अगर आपके पास टाइम हो, एक पूरा कंडेंस मिल्क का बंद टिन लीजिएगा, उसको एक बड़े से पतीली में, मैं क्या करती हूँ बड़े से पतीली में इतना सारा पानी भर के 4-6 कंडेंस मिल्क के टिन बनाने के लिए एक दफ़ा मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा बैनोफी पाए बनाती हूँ बेचने के लिए, तो मैं बैनोफी पाए में वही डालती हूँ, तो जाहिर है फिर वो इतने एक एक कंडेंस मिल्क का टिन कौन बॉईल करने बैठेगा 4-4 घंटे, तो मैं इतने सारे टिन एक दफ़ा में ही बॉईल कर देती हूँ, फिर उसको लेबल कर देते हैं कि ये कंडेंस मिल्क नहीं है, ये बैनोफी का टॉफ़ी है, ठीक है। 4-5 घंटे आप उसको हल्की आँच पर छोड़ दीजिएगा, पानी सूख नहीं जाना चाहिए, बीच में पानी सूख जाता है, तो ध्यान रखिएगा पानी को टॉप अप करते रहिएगा, ताकि वो टिन्स जो हैं कंडेंस मिल्क के बंद टिन्स वो पानी में अंदर सोक्ड रहें। फिर निकालिएगा, दूसरे दिन इस्तेमाल करिएगा, पहले दिन नहीं खोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो वो हो गया, तो वो फिर आप ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। ये फिलिंग भी हमारा हो गया है। अच्छा, एक चीज़ अब हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ आ पुलाव ऑल्सो, बिकॉज फिर टाइम निकल जाएगा। कॉलर हैं, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ज़ूमा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ? जी जरूर दें। हमने तो इसी पे बनाया था, चना चाट, रस मलाई, फ्रूट चाट, कस्टर्ड, अरे वाह, और खीर बनाई थी बस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू जी, आपने कॉल की, जवाब दिया, आपको सबको मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। ओके जी, फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल विल गो इन आर पैन फर्स्ट, फिर इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और प्याज।
ठीक है, अदरक लहसुन प्याज सौटे करेंगे, फिर उसमें हम हल्दी डालेंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, ये हैं कैफिर लाइम लीव्स, ये नींबू के पत्ते होते हैं जो हम थाई खानों में डालते हैं, ठीक है, ये आप डालिए चॉप अप करके या साबुत। फिर बीन्स हैं, बीन्स को आप गर्म पानी में डाल के ब्लांच करके निकाल दीजिए, मैं नहीं बॉयल करना चाहती तो मैं ब्लांच ही करूँगी, सो उसके लिए आई विल टेक अ सॉस पैन और जस्ट समथिंग लाइक दिस, बस थोड़ी देर के लिए आपने पानी में डाल के निकाल देना है उसको। तो यहाँ हम साथ साथ इसको रख देते हैं, कच्चे नहीं रहेंगे वैसे तो, ये हो जाएंगे उसी में। प्याज, फिलो पे बैरी ऑलिव ऑयल, प्याज, अदरक और लहसुन, प्लीज ताजा लीजिएगा, पेस्ट नहीं लीजिएगा, ओके। फलियाँ जो भी आपको लेनी हो आप लेके उसको गर्म पानी में डाल के फिर निकाल दीजिएगा। इनिक्स की तरफ से गिफ्ट है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो मुझे बताइए ईद पे आपने क्या क्या चीज़ें बनाई, एक मैसेज लिख के 888 पे SMS कर दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखेगा। चॉकलेट गनाश बना के रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, क्या होता है ये सेट हो जाती है, थिक हो जाती है, इस तरह देखें कितनी अच्छी चॉकलेट गनाश फिलिंग रेडी हो गई। इसमें आप कोई भी एसेंस डाल के इसको आप फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, पीनट बटर डाल दीजिए आप इसमें, आप बटर स्कॉच एसेंस डाल दीजिए, पेपरमिंट एसेंस डालिए, ऑरेंज एसेंस डालिए, ऑरेंज का छिलका डालिए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, बस ये गर्म पानी में डाल के हम निकाल के फौरन उसको ठंडे पानी में डाल देंगे और इस तरह इसको कहते हैं ब्लांच करना, इसी में पक भी जाएगा मगर नहीं पकाना है तो इस तरह ब्लांच कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इसमें कैफिर लाइम लीव्स डालने हैं, फिर हम इसमें धनिया वगैरह बाद में डालेंगे, हाँ हल्दी डाल दूँ मैं, और हम चावल डाल दें, नमक, काली मिर्चें, ठीक है, नमक, काली मिर्चें चली गई, अब चावल डाल देंगे। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। मैं सुद्रा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बोले। बहुत एक अरसे से आपका प्रोग्राम हम देख रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, और केक बनाते हुए आपको हमेशा से देखा है, बहुत अच्छा मीठा बनाती हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने क्या खाया ईद पे ये तो बताइए, क्या पकाया? ईद पर क्या बनाया? ईद पर निहारी बनाई। अच्छा। इसके अलावा शीर खुरमा बनाया, लबे शीरिन बनाया। ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा मुख्तलिफ केक बनाया। अच्छा, कौन सा सारी चीजें बनाई? कौन सा केक बनाया? कहाँ चली गई? सिंपल स्पंज के साथ स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग। अच्छा, उसमें करके स्ट्रॉबेरी सिरप डालकर क्रीम में, और फिर उसको बीच में से कट करके बीच में भी क्रीम लगाई, फिर ऊपर भी लगाई, और छोटे छोटे से वो बनाए जो सर्कल्स बनाते हैं केक के राउंड पे। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। थैंक यू जी, आपने कॉल की, हमने आपका जवाब भी नोट कर दिया। ये गर्म पानी में से निकाल के फौरन हरी सब्ज़ी को ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में स्पेशली डाल देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होता है और ये ब्लांच भी हो गई। अब मैं चावलों को पक जाने दूंगी, उसके बाद दूसरे अज्जा हम डालेंगे, आपको बताएंगे भी क्या क्या डाल रहे हैं, तब तक हमारा टार्ट का बेस भी हो जाएगा। ब्रेक की तरफ हमें चलना है, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। देखें मुझे इसमें स्लिट ग्रीन चिलीज डालने हैं, चावल ऑलमोस्ट डन है, मैंने एक्स्ट्रा पानी वानी कुछ नहीं डाला था, ठीक है। हरा आपने इसमें बहुत सारा धनिया जाएगा, इसमें बादाम थोड़े से अंदर डालेंगे हम, इट्स अ वेरी डिफरेंट पुलाव, आप ट्राई करके देखिएगा, थोड़े से ब्राउन प्याज जाएगा, एंड ये बीन्स जो मैंने
गर्म पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के ब्लांच किए थे वो, ग्रीन कलर देखिए। आप लोग कहते हैं ना सब्ज़ी के रंग ग्रीन कैसे रहते हैं हमारे, और आप लोगों के क्यों मुरझा जाते हैं, इसलिए कि आप लोग गर्म पानी में बॉईल अगर करते भी हैं तो उसको आप ऐसे ठंडे पानी में उस वक्त फ़ौरन नहीं डालते हैं। सो नाउ लेट दिस हल्की आँच पे मैंने रखा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें चावल थोड़े से कच्चे हैं, सो जस्ट अ लिटल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इधर उधर, ठीक है, बस इसको होने देते हैं, हम भाप में ही हो जाएंगे। कॉलर हैं जी, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी बोले जी, बोले। मैंने जो है ना खीर बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, और जो है ना और केक बनाया था। अच्छा। और आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिएगा शो हमारा, ट्राई करते रहिएगा रेसिपीज, ओके, थैंक यू। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो टार्ट के बेस के ऊपर हमने जो पेपर रखा था और हमने जो उसके ऊपर वो बीन्स रखे थे ना, उसको मुझे उठाना है। उठा के साथ में एक प्लेट रखिएगा, उस पे फौरन रख दीजिएगा, इसको फिर हम बाद में ठंडा करके वापस दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं। अभी स्टार्ट के बेस को मुझे पकने के लिए छोड़ना है ताकि अच्छी तरह नीचे से भी ये पक जाए, तो इसको कहते हैं बेक ब्लाइंड करना। पहले इस तरह आप उसको प्रेस डाउन करके बेक करिए, और फिर इसको हम एक दफ़ा फिर रख देते हैं बेक होने के लिए 10 मिनट जितने, ओके सही है। तब तक लेट्स चेक अप पुलाव, वेर ये देखें, बहुत हैवी चीज़ें अगर खा ली हों तो ज़रा कोई लाइट चीज़ भी खा लीजिएगा आफ्टर ईद, सो समथिंग नाइस एंड लाइट। इसमें बहुत अच्छी खुशबू है कैफिर लाइम लीव्स की, जो पत्ते मैंने डाले हैं ना, चॉप करके भी आप डाल सकते हैं थाई खानों में जैसे खाते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, गर्म पानी में फ्रेंच बीन्स को डाल के ठंडे पानी में डाल दिया, ब्लांच कर दिया, ठीक है, उससे कलर भी रहता है, क्रिस्प भी रहती है सब्ज़ी। और फिर हमने फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल गर्म किया, उसमें प्याज अदरक लहसुन सॉटे कर दिया, उसमें हमने हल्दी डाली, हरी मिर्चें डाली, ये बीन्स डाल दिए, कैफिर लाइम लीव्स डाले, नमक काली मिर्चें और हरा धनिया और चावल, पानी डालना है थोड़ा सा पानी डालिए, फिर बादाम डाल दी और लाल किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें चाक की हुई, उसके साथ आप इसको डेकोरेट करके सर्व कर दीजिएगा। समर रस से हम आज स्मूदी बनाएंगे, बनानास और क्रश्ड आइस और दही के साथ, ठीक है, वो बाद में बनाएंगे। इसको मैं निकाल दूंगी, ये दम पे है चावल, अभी नीचे मैंने तवा रख दिया है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि हमारा बेस हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, कच्चा ना रहे, बेस निकाल के थोड़ा सा आपने उसको ठंडा करना है। मेल्ट की हुई चॉकलेट मैंने रखी थी छोटे, उसमें एक बोल में चॉकलेट, उसको मेल्ट करके उसके ऊपर ब्रश करेंगे, फिर उसको बिल्कुल ठंडा करेंगे। स्टेप्स में बनाइएगा टार्ट, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ गनाश जो बनाई है वो हम फैला देंगे, उसके ऊपर फिर हम सॉल्टेड कैरमल कल डालेंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। एक कॉलर है, उनसे करते हैं अब बात। जी हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। इस्लामाबाद से, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हेलो जी, जी मुझे आवाज आ रही है, आप बोले ना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, जी शुक्रिया, थैंक यू। आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए वरना आवाज मेरी एको हो रही है, लाइन कट जाएगी, प्लीज, थैंक यू जी। कितनी दफ़ा हम आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें, ठीक है, वरना कॉल कट जाती है, फिर इतनी मेहनत से आप लोग कॉल मिलाते हैं। सो दिस इज़ माय लक्सा पुलाव,
ट्राई करिएगा समथिंग नाइस एंड लाइट एंड डिफरेंट. हर रोज़ चिकन और फिश और मीट और कीमा नहीं खा सकते हैं, कुछ कभी हल्का हल्का भी खाएं. इतना फ्रेग्रेंट है ये बिकॉज मैंने इसमें ये कैफिर लाइम लीव्स डाले हैं, इसको ऊपर रखते हैं यहाँ. अब इसको हम गार्निश करेंगे. एक और कॉलर हैं. हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हेलो. जी जी मुझे आवाज़ आ रही है, फरमाइए. मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही जी, फरमाइए बोलिए. जी बहुत अच्छा आपने पुलाव बनाया, ज़बरदस्त लग रहा है. ट्राई करिएगा ज़रूर. बहुत अच्छी आप रेसिपीज बनाती हैं. जी जी. और मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी. जी मैंने शेर खुरमा बनाया था और बिरयानी बनाई थी. ओके. और ये खीर बनाई थी. ठीक है जी. और शामी बनाए थे. ओके वेरी गुड. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू जी. थैंक यू. क्या ब्रेक ले लें अब? हाँ ब्रेक की तरफ चलते हैं. ये मेरा लक्सा पुलाव यहाँ रेडी हो गया है, इसको यहाँ रख देते हैं. ब्रेक से आएंगे तो फिर टार्ट को भी निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और हमें ड्रिंक भी बनाना है यूजिंग समर रस. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज. और अगर आपने जीतना है हैंडी मीट मिन्स एनेक्स की तरफ से तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे कि आपने ईद पे कौन से रेसिपीज़ बनाए, क्या क्या बनाया. ठीक है, एक मैसेज लिख लीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. ब्रेक. जी वेलकम बैक. देखें केले हमने इसमें डाल दिए हैं हमारे ब्लेंडर में, बर्फ एंड देन दही. ठीक है, एंड समर रस का जो ड्रिंक है हमारा हबियन का वो इसमें जाएगा एंड ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर. बहुत गर्मी है कराची में. ग्लास में निकालें और सर्व करें. रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा. अच्छा टार्ट को मुझे निकालना है अवन में से, फिर उसके ऊपर हम मैं कर लूँ. दो मिनट इसको यहीं रहने देते हैं, फिर मैं वहाँ लेके आती हूँ आपके सामने ब्रेक के बाद. फिर हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे ये पिघली हुई चॉकलेट. ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो गनाश डालेंगे और उसको हम सेट कर देंगे. कल मैं आप लोगों को इसके स्लाइसेस काट के दिखाऊंगी और उसके बाद उसके ऊपर फिर हम डेकोरेशन भी करेंगे और सॉल्टेड कैरमल सॉस डालेंगे या कोई भी इस तरह का सॉस मिलता है आपको मार्केट में, अगर आपको कैरमल नहीं बनाना है. ठीक है, जो है ना कैरमल सॉस वो आप डाल सकते हैं. सो एनीथिंग यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वॉन्ट वो हम करेंगे. सो आई होप आपने आज की रेसिपीज़ देखी, एंजॉय की, आप बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा. एंड बी जेनरस एंड डोनेट टुवर्ड्स टेलेनॉर और हम नेटवर्क का जो जॉइंट कैंपेन है. ठीक है, टू जेनरेट डोनेशंस फॉर SIUT और जो भी पैसे जमा होंगे वो इक्वल अमाउंट टेलेनॉर भी इसमें ऐड करेगा. तो बी वेरी जेनरस इन दिस कैंपेन. थैंक यू सो मच.
चलिए जी, चॉकलेट टार्ट विथ कैरमल सॉस जो है वो आधा हमारा हो चुका है। बेस बहुत ज़रूरी है, इसी पे मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, बिकॉज फिलिंग तो सब बना सकते हैं। फिलिंग में क्या था, ये गनाश आपने बना ली, गनाश यहाँ सेट भी हो गई, ठंडी भी हो गई, इसमें कोई मसला नहीं है। सारा मसला, सारा जो टेस्ट है आपके अच्छे से टार्ट का, वो उसके बेस में है। इससे आप और मज़ीद पतला भी बना सकते हैं, बड़े टिन में भी बना सकते हैं, डिश में बनाइए, किसी पाई प्लेट में बनाइए, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो, कीश का टिन हो उसमें भी आप बना सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे करते हैं जी हम बात अब। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, बोलिए। आवाज़ आती बहुत आते हैं, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए जी, बोले। क्या नाम है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। मैंने खीर कुरमा बनाया था, बिरयानी बनाई थी, कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई, और है ना। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। ओके थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हम एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, ज़रा टार्ट का बेस थोड़ा सा तो ठंडा हो, उसके बाद आके फिर आपके सामने उसको फिनिश करेंगे। यहाँ मैं सेट करने के लिए छोड़ दूंगी, कल आपको स्लाइसेस में काट के डेकोरेट करके दिखाएंगे। सो कहीं मत जाइएगा, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है हैंडी मीट मिंसर इनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से 888-1 पर मुझे बताइए कि ईद पर आपने क्या खाना पकाया। कितना आसान सवाल है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक। चॉकलेट टार्ट विद कैरमल सॉस। टार्ट के अज्जा: अनसॉल्टेड बटर 150 ग्राम, नमक 1 चुटकी, आइसिंग शुगर 120 ग्राम, अंडे की जर्दी 4 से 5 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, कॉफ़ी एसेंस 1 चाय का चम्मच, मैदा 260 ग्राम, कोको पाउडर 1/2 कप, पिघली चॉकलेट 1/4 कप, चॉकलेट गनाश फिलिंग के लिए चॉकलेट 340 ग्राम, क्रीम 300 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चम्मच, अनसॉल्टेड बटर 30 ग्राम। तरकीब: अनसॉल्टेड बटर में नमक और आइसिंग शुगर डालकर फेंट लें, अब अंडे की जर्दी में वनीला एसेंस और कॉफ़ी एसेंस डालकर फेंट लें, उसके बाद मैदे और कोको पाउडर को छानकर अच्छी तरह मिक्स करके नरम डो बना लें, फिर आधी डो को काटकर तमाम डो को डिस्क की शेप में कर लें। अब हर डिस्क को क्लिंग फिल्म लगाकर रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दें। एक डो को बेलकर टार्ट के साइज़ का करें और टार्ट पर लगाकर कांटे से सुराख करें और 30 मिनट फ्रीज़र में ठंडा और सेट होने के लिए रख दें। अब ठंडे टार्ट को बेकिंग ट्रे में रखकर पेपर रखें और खुश्क बीन्स या कैरमल बीन्स से फिल कर दें, फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। अब पेपर और बीन्स निकालकर अंडे से ब्रश करके अवन में 5 मिनट मज़ीद गोल्डन होने तक बेक करें। अब इसे अवन से निकाल के ठंडा कर लें, फिर इसे टार्ट शेल से निकाल के मुकम्मल तौर पर ठंडा करें। अब पिघली चॉकलेट से चॉकलेट टार्ट को अंदर से ब्रश करके एक तरफ रख दें, उसके बाद चॉकलेट गनाश फिलिंग के लिए पिघली चॉकलेट क्रीम दूध और नमक को सॉस पैन में दरमियानी आंच पर चमचा चलाते हुए स्मूथ होने तक पकाएं, फिर इसमें मक्खन का क्यूब डाल के पिघलने तक पकाएं। अब गनाश को ठंडा करें और टार्ट शेल में फिल करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें, उसके बाद ऊपर नमक छिड़क कर रेफ्रिजरेटर में फिलिंग सेट होने के लिए रख दें। आखिर में सर्विंग से पहले व्हिप्ड क्रीम के पतले डेवलप्स बनाएं और सॉल्टेड कैरमल सॉस से ड्रिजल करके सर्व करें। लक्सा पुलाव अज्जा: फ्रेंच बीन्स 300 ग्राम, बादाम ब्लांच्ड 50 ग्राम, चावल 500 ग्राम, घी 60 ग्राम, कैफर लीव्स चॉप्ड 4 से 6 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधी कच्ची, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, अदरक चॉप्ड 20 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 20 ग्राम, प्याज चॉप्ड 40 ग्राम, हरी मिर्चें चॉप्ड 3 से 4 अदद, काले मिर्च 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, गार्निशिंग के लिए फ्राइड गोल्डन प्याज हसबे ज़रूरत, लंबी कटी हरी मिर्च हसबे ज़रूरत। तरकीब: फ्रेंच बीन्स को साफ करके स्टीम या ब्लांच कर लें, फिर इसे निकाल के ठंडे पानी में डालें ताकि इसका रंग और खस्तापन बरकरार रहे, उसके बाद तेल गर्म करके लहसुन प्याज और अदरक डाल के प्याज नरम होने तक सौते करें। अब हल्दी, हरी मिर्चें, फ्रेंच बीन्स, कैफर लीव्स चॉप्ड, चॉप्ड हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर पकाएं, इसमें चावल और थोड़ा पानी डालकर चावलों को मुकम्मल तैयार होने तक पकाएं, आखिर में बादाम, फ्राइड प्याज और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। स्मूदी अज्जा: लाल शरबत हसबे ज़रूरत, केले 3 अदद, दही 1 कप, बर्फ़ हसबे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में लाल शरबत, केले, दही और बर्फ़ मिला के ब्लेंड कर लें, आखिर में ठंडा सर्व करें।
वेलकम बैक। देखें टार्ट का बेस हमारा थोड़ा सा ठंडा हुआ है, नॉट अ लॉट, बट अब क्या करूं मैं, पिघली हुई चॉकलेट आपने लगानी है ताकि ये बैरियर सा बन जाए और सॉगी ना करे आपके टार्ट के बेस को, ठीक है। छोटा बनाएं टार्ट के, बड़ा बनाएं आप, इस तरह इसके बेस पे पिघली हुई चॉकलेट लगा के इसको आपने सेट करना है। ये पहले सेट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर आप फिलिंग डालोगे। प्लीज़ ये याद रखिएगा, ताकि ये देखो बिल्कुल कच्चा नहीं है, इसको आपने आधा पौना घंटा बेक करना है। अब आप इसको ठंडा करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जब गणेश बन जाए, ठंडा हो जाए, टार्ट का बेस हो जाए, ये बीच में चॉकलेट जो पिघली हुई लगाई है वो ठंडी हो जाए, फिर आप इसके ऊपर आराम से ऐसे करके पूरा का पूरा गणेश डालेंगे। अब इसको आप सेट कर देंगे, सेट हो जाएगा, इसके बाद फिर कल हम आपको दिखाएंगे। तो मैं जरा स्प्रेड कर लूं, एंड्स तक स्प्रेड कर दीजिए इसको, इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसको डेकोरेट करेंगे कल। सो कल विल शो दिस टू यू, ठीक है। इसको फिलहाल मैं यहाँ रख देती हूँ। और हमने जो समर रस के साथ आज ड्रिंक बनाई है, स्मूदी विद बनानास और दही के साथ, वो भी रेडी है। क्रश्ड आइस लक्सा पुलाव भी रेडी है। रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मैं क्या बना रही हूँ, कल वो नहीं लिखा, अच्छा लज्जत में फ्राइड बफेलो विंग्स, सेचुआन एग फ्राइड राइस, सिजलिंग रेड मंचूरियन बनेगा 5 बजे लाइव। और जूबा है आज़ाद कश्मीर से, जो विनर है हमारे गिफ्ट की, एनएक्स गिफ्ट की। कल मेरा ख्याल है मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं कल, भूल गई, मैं भी भूल गई। चलिए देखिएगा शो प्लीज़, 3:30 बजे लाइव मेरे साथ रहिएगा। इसी तरह 9:30 बजे सुबह में दूसरे दिन और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, सो देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ हमारी अप टू डेट हैं हमारे पेज पे, फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से, जो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं रेसिपीज़, और ये अप टू डेट होती रहेंगी, ठीक है जी। थैंक्स टू माई हार्डवर्किंग टीम, बिग थैंक यू टू एवरीवन। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक शो के लिए, मैं तो सिर्फ फेस हूँ इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन मेरे आगे यहाँ पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं। सो बिग थैंक यू टू एवरीबडी, और आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।